उस घर में आ गई, जिस तरह उन्होंने क्या लूटपाट करी, महिलाओं के साथ जो गंदी हरकतें करी हैं। उसने धमकी दी कि यहाँ मेरे पिताजी पुलिस में है, तुम सबको दबा दूंगा, तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। वो लोग घर के अंदर हम लोगों को मारा, हमारे हाथ में भी चोट लगी, इनको भी चोट लगी। हमारे साथ हमारी छेड़छाड़ करी, हमारे साथ हमारा दुपट्टा खींचा उन्होंने। ईस्ट दिल्ली का यह जगह है और जगह यह है जाफराबाद थाने के अंदर आती है। इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, ये जगह है जाफराबाद पुलिस स्टेशन की ज्यूरिडिक्शन। और अगर मैं जरा सा पाँव इधर रखता हूं तो मेरा थाना ज्यूरिडिक्शन चेंज हो जाती है। और यह जरा सा ही पाँव बदलते ही अगर मेरा पाँव इधर आता है तो ज्यूरिडिक्शन चेंज हुई और थाना लग गया जाफराबाद। लेकिन बात वही है कि किस तरीके से किसी वारदात को या किसी मामले को उलझाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा, जगह भजनपुरा थाना के अंदर और ये जगह जाफराबाद थाना के अंदर। अब मैं आपको पूरा मामला समझाता हूँ। मामला 10 जनवरी बुधवार रात 10:30 बजे का है, जब यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। ये जो पीछे ढाबा टाइप होटल चल रहा है, यहाँ पर कुछ लोग सामान लेने के लिए आते हैं और किसी बात पर लेकर कहा सुनी हो जाती है। लेकिन मामला तब गंभीर हो जाता है, मामला और संजीदा हो जाता है, जब वो लोग मारा पीटी करते करते यहाँ पर कुछ परिवार की महिलाओं के साथ तक करते हैं। कुछ युवाओं को मारा जाता है, कुछ लोगों को मारा जाता है। लेकिन इतने पर ही बात नहीं रुकती और घर के और परिवार की महिलाओं को यहाँ से ऊपर जाकर पहली मंजिल पर उनके कमरे के अंदर घुस के वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन पुलिस है कि कुछ मानती ही नहीं और वो अपनी ज्यूरिडिक्शन को आप थाने के अंदर केसेस ना लगें, ऐसे तो कई मामला देखे होंगे, लेकिन जानबूझकर थाने का केस दूसरे थाने वाला लेता है तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ साठगांठ कही जा सकती है। क्योंकि ये जो पूरी वारदात हुई ये जाफराबाद थाने के अंदर हुई है, उनका ज्यूरिडिक्शन लगता है। लेकिन इस मामले को दर्ज किया गया है भजनपुरा थाना के अंदर, जो अपने आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको परिवार के कुछ लोगों जिनके साथ ये मारपीट हुई, जिनके साथ ये घटना हुई और जिनको मारपीट की गई। चलिए क्या कहते हैं और कैसे ये वारदात उनके साथ हुई। हाँ माता जी, आपका नाम? मेरा नाम सुखदेई है। उस दिन 10 जनवरी रात बुधवार की रात थी, क्या हुआ था? 10:30 बजे क्या नाम है, मेरे हाथ में डंडा था, मैं डंडा लेके चल रही थी, फिर मैं लड़का आया, पैसे दिया हाथ में, वो छीना झपटी करके ले गए और मेरे बहुओं के मारा। वो कौन लोग थे, आप उनको पहचानते हैं? पहचानती हूँ, किशन और एक दो तीन लड़के और थे। आपके साथ मारपीट की? हाँ मारपीट किया, खींचते हुए ले गए, बहुओं को भी मारते हुए। सर आपका नाम? मेरा नाम नीरज गुप्ता। नीरज जी, क्या हुआ था उस रात? उस रात ऐसा हुआ, मेरे साथ जो इन्होंने वारदात करी है, मारपीट करी है और घर तक घुसाए थे। घर में आने के बाद इन्होंने इस तरह करा कि यहाँ पे जो घर में लेडीज़ हैं, लेडीज़ को मारपीट हुई है, उल्टी सीधी हरकतें करी हैं इन्होंने, जो लेडीज़ के साथ जितना किया है। सबसे वारदात शुरुआत इनसे हुई थी, सबसे पहले नीचे इनसे इनको मारपीट करी। पूरा वाक्य जानना चाहते हैं कि कहाँ से लड़ाई शुरू हुई, कैसे बात बढ़ी और कैसे बढ़ते बढ़ते वो यहाँ तक आ गए कि परिवार के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ भी उन्होंने मारपीट की। सबसे पहले नीचे मैं अपनी दुकान पर काम कर रहा था, ये मेरे पास आए थे खाना लेने, इनके घर पर कोई नहीं था, ये खाना लेने आए, इनका खाना पैक कर ही दिया था और मैं देने ही जा रहा था। इतनी देर में उनका टारगेट यही था कि इनके साथ यानी जो भी गलत किया जाए। उन्होंने सबसे पहले इनका बाल पकड़े हैं, बाल पकड़ने के बाद फिर मारा पीटी शुरू करी, फिर मेरे भी उसके इनके पीछे मेरा भतीजा खड़ा था, फिर उसके साथ करी है। मैं इतनी देर में बाहर आया हूँ, मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मारपीट शुरू कर दी उन्होंने। मैं इस तरफ भागा हूँ अपने घर की ओर, अपने घर की ओर अंदर भागा हूँ, अंदर माता जी मिली है, माता जी के साथ इन्होंने जो करा है, पैसे जो है पैसा छीना झपटी करी है, पैना छीना झपटी करी है। उसके बाद मेरी मिसिस थी, मेरी भाभी थी और मेरा भतीजा मारपीट करी है। सर मैं खून इनके बाथरूम में जाके दो तीन लड़कों ने एक साथ मारा है और तकरीबन 5 से 6 जने थे। उसमें मेन बंदा जो है वो सबसे पहला जो बंदा था वो किशन था और एक पहलवान बता रहे हैं, एक भगत हैं, एक शिवम है।
और तकरीबन 6 से 7 लड़के थे, ज़्यादा ही थे लड़के। जो मेरे को आइडिया है, जो मेरे साथ जो घटना घटी है, मैं उसको बता रहा हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं भोजपुर रहता हूँ, सात नंबर गली। आप दुकान पे क्या सामान लेने के लिए आए थे? खाना लेने के लिए आया था, मेरे घर कोई नहीं था, तो ये लोग सामने शराब पीते हुए आए, आगे मेरे से पहले बदतमीजी करी, फिर गाली गलौज करने लगे, उसके बाद उन्होंने मारना शुरू करा। पहले सबसे पहले दोस्त को मारा, जब उसने कहा भाई गाली वाली मत दो, फिर चाचा बीच में आया बचाव के लिए, फिर चाचा को मारने लगे, उसके बाद उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया, फिर मेरे से गाली गलौज करी, फिर बदतमीजी करी, मारना शुरू कर दिया। मैं जान बचाने के लिए घर में आ गया, तो ये लोग घर में घुस आए। फिर तो आपको पहले से जानते नहीं थे जिन्होंने मारपीट की? वो लोग जानते थे, आपको जानते थे, उन्होंने शराब ज़्यादा पी रखी थी। और मेरी कोई किसी से विवाद नहीं है, किसी तरह का, किसी भी तरह का मेरा, मैं दुकान, मैं अपना काम करता हूँ, मेरा कोई भी किसी से विवाद नहीं है। अब उनकी क्या थी मेरे से, इस बारे में नहीं कह सकता मैं। वो घर में आ गई, जिस तरह उन्होंने क्या लूटपाट करी, महिलाओं के साथ जो गंदी हरकतें करी हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 3 दिन हो गए अभी तक वारदात हुए, तो क्या आपकी शिकायत दर्ज हो गई है? FIR हुई, MLC हुई कि नहीं हुई? MLC हुई है, लेकिन उसके अंदर भी अभी हमारे ना तो मेरा ट्रीटमेंट कुछ नहीं हुआ है, और दूसरी बात अभी इस बारे में ना तो थाने में रिपोर्ट लिखी गई है, ना तो IU ने कोई जानकारी प्राप्त किया, ना IU आया आज तक, अभी तक यहाँ तक हम थाने होके आए थे उस दिन कंप्लेंट लिखवाने आए। SHO ने हमारा बयान भी लिया है, ऐसा नहीं बयान नहीं लिया, बयान लेने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। अभी हमें बताया जा रहा था कि जो थाना भी है, थाना कोई और लगता है आपका, ये जाफराबाद का थाना लगता है, लेकिन जो आपकी FIR दर्ज हुई है वो भजनपुरे थाने में हुई है, तो इस तरह की भी कोई बात है क्या? सिलमपुर ले गए थे, हमारे जो थाना लगता है वो जाफराबाद लगता है, लेकिन हाँ ये रिपोर्ट जो है भजनपुरा थाने में, भजनपुरा ये रिपोर्ट उन्होंने अपने हिसाब से बनाई है, अब इसके पीछे वो जानते हैं क्या है, हम लेकिन हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। जिन लोगों ने मारपीट की आपके साथ, क्या उनके ऊपर पहले से भी वो क्या नामी बदमाश हैं या लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं क्या? वो यहाँ के लोकल बदमाश हैं, तो किसी के साथ भी कुछ भी करते हैं, चलते फिरते किसी को भी मारना शुरू कर देते हैं, उनके पास पहले से भी डकैती वगैरह ये केस रजिस्टर्ड है। उनमें से जो लड़का था शिवम, उसने धमकी दी कि हाँ मेरे पिताजी पुलिस में है, तुम सबको लदवा दूंगा, तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, हमारा रोज़ का काम है थाने वाने में आना जाने का, तो हमारा कुछ नहीं होगा। तो आपको पुलिस ने बुलाया उसके बाद, आपके साथ जो मारपीट बंधी हुई है हमने देखा है कि उसके बाद आपको पुलिस ने बुलाया, कोई आपकी स्टेटमेंट ली अभी तक? स्टेटमेंट लिया पर प्रोसीजर कुछ नहीं हुआ उसके बाद, ना कोई कॉल आई है, ना थाने से कोई आया है। 3 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को, कोई रिपोर्ट नहीं हुई आगे तक, कार्रवाई भी नहीं हुई। जिस फ़ोन से मैंने कंप्लेंट की थी वही फ़ोन इन्होंने छीन लिया मेरा, और धमकी अलग से दी है कि अगर तूने किसी कुछ भी आपका छीन के ले गए हैं, और क्या ले गए आपके ऊपर पैसे? मेरे गले में चैन थी, 1-2 तोले की, वो भी चैन ले गए। 2 तोले की चैन आप डाल के रात को घूम रहे थे क्या? सर मैं पहले से ही घूमता था, पहनने का शौक था, मैं स्टार्टिंग से पहनता था कई सालों से। आपका नाम क्या है? मोहिनी गुप्ता। मैडम आप बताएंगे कि उस दिन रात को 10 तारीख की रात को क्या हुआ था? जी सर, सामने वो लोग दारूबाज जो थे बाहर अपने बहस कर रहे थे, वहाँ से फिर होटल पे आए वो लोग, उस भाई को मारा, उसको भी चोट लगी, हमारे भतीजे को भी थप्पड़ मारा। जब मेरे पति उनको बचाने के लिए गए तो मेरे पति को 2-4 थप्पड़ तभी उसी टाइम मार दिया उन्होंने। इतने में मेरे भाई साहब भी थे, वो भी यहाँ से देख के जैसे नीचे उन्होंने गए, उन लोगों ने भाई साहब को भी मारा, हमारे भाई साहब भी गिर गया वहाँ पर, उन लोगों ने उनको भी मारा। उसके बाद हाथापाई होने के बाद भी फिर भी इन्होंने बार बार उन लोगों को समझा रहे थे कि आप लोग चले जाइए, जो हो गया आप तक ख़त्म करिए सब कुछ। बाद आते आते गली तक पहुंच गई थी उन्होंने, जब तक भैया हमारे बोले कि सब लोग घर में चाहो, कोई बहस नहीं होना चाहिए अब, लेकिन ये बाहर उन लोग को समझा रहे थे। बाकी लोग उन्होंने और बंदों को बुलाया था, बाकी बंदे जब तक आए थे तब तक इनको अकेला पाके बाहर पीछे पटक के इन्होंने सब लोग एक साथ इनको जुट करके मारा। मैं तब तक देख ऊपर से मैं सब कुछ देखी, लेकिन मुझसे नहीं देखा गया। जब मैं नीचे उतरी, मेरी भाभी और मैं दोनों जगह नीचे उतरने ही जा रहे थे, वो लोग घर के अंदर तो हम लोगों को मारा, हमारे हाथ में भी चोट लगी, इनको भी चोट लगी। मैं अपने पति को बचाने गई थी, बच्चों मेरे नीचे थे, सबको देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो लोग तब तक हम पे अटैक करने लग गए। इतनी बदतमीजी की गई, बदतमीजी करी हमारे साथ, हमारे छेड़छाड़ करी हमारे साथ, हमारा दुपट्टा खींचा उन्होंने। हम जब हम भी उनको सोचे कि हम मारेंगे, हमारे मारने से पहले उन्होंने हमें डंडा खींच के मार दिया, मेरे पूरे हाथ में चोट लग रही है। आपने पुलिस वालों को बताया या पूरा बताया? हमने जी बताया हमने वहाँ पे, लेकिन उन्होंने हमारी बयान सुनेंगे तब ना। उन्होंने एक्सटेमेंट सिर्फ विशाल का लिया था, जिसको चोट लगी थी, हमारे लोगों की कुछ भी नहीं सुनी उन्होंने, जो सुनी थी बस उसकी ही सुनी थी। आपका नाम मैडम? अनीता गुप्ता। क्या हुआ था उस दिन रात को?
भैया जी, जब हम गए यहाँ से देख रहे हैं लड़ाई हो रही, सब कुछ हो रहा था, हम दोनों जन नीचे उतर गए बचाने के लिए कि हम अपने बच्चों को तो बचाएं वहाँ जाकर। जब हम अपने बच्चों को पकड़ रहे, विशाल था उसे लैटरिन में मार रहे, जब हम उसको पकड़ने लगे मारने लगे तो हमारा दुपट्टा खींचे, हमारी चूड़ियाँ भी टूट गई, हमें मारे इधर मारे उधर मारे, हाथ पे लगाए, मेरे पूरे कान पे लगा पड़ा, मेरे कान में पूरा सूजा पड़ा, पूरी कमर में चोट पड़ी, पूरा नीला हुआ है। जब वहाँ हॉस्पिटल में दिखाए तो बोले हो जाएगा सब कुछ, एमएससी बन जाएगी। वहाँ जाफराबाद थाने गए तो वहाँ से कह रहे नहीं जी, वहाँ भजनपुरा थाने में है आपका। फिर हम भजनपुरा गए, वहाँ बोले आप लोग घर जाओ, कल हम अपने आप बुलवा लेंगे। बुलवाने के बाद वहाँ पे हमसे सबसे कुछ नहीं पूछा। तो यानी कि देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर अपराध की वारदातें हर रोज हो रही हैं, लेकिन मामला और भी संगीन हो जाता है जब कोई लड़ाई झगड़ा सड़क पर शुरू होता है, दुकान के अंदर से शुरू होते 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 वो परिवार के लोगों के बीच में घर पर आ गए। इस वक्त हम जहाँ पर बैठे हैं ये पहली मंजिल है और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके का तंग रास्ता है। और यहाँ तक अगर अपराधी आकर परिवार की महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं और बदसलूकी करते हैं, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए जय हिंद जय भारत।